हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। गाइस, तीन दिन हो गए हैं, आवाज़ तो खैर सही हो ही नहीं रही है। फिर से आज मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, ऐसी आवाज़ में मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बनाना भी कंपलसरी है। गाइस, ये देखिए आज मेरी बुलेट मेरे सामने खड़ी हुई है। आज हम कंटेंट नहीं था तो आज इससे ऑफ रोड में बताने वाला हूँ आपको। गाँव में हम लोग कहीं दूर जा रहे हैं तो आज बुलेट की ऑफ रोडिंग में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये BS3 इंजन है हमारा। इसका लाइट का फोकस देखिए आप, लाइट कितनी ज़बरदस्त आती है इसमें। ये देखिए आप, मतलब यहाँ ऐसे लाइट नहीं है, यहाँ आपको देख रहा होगा अंधेरा अंधेरा ही है। बस एक ट्रक वगैरह की लाइट आ रही है जैसे निकल जाता है, फिर मैं बताता हूँ। ये देखिए आप, ये प्योर इसी की लाइट चल रही है, मतलब लाइट का फोकस बहुत बेहतरीन है। तो चलिए बिना किसी चीज़ के करते हैं ऑफ रोड को शुरू। और गाइस, लास्ट में एक बात और, ये जो हम ऑफ रोड करने जा रहे हैं, इस ऑफ रोडिंग के दौरान कुछ वर्ड्स अगर हमारे मुँह से निकल जाएँ, किसी के दिल को ठेस पहुँचे तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी चलता रहता है। तो चलिए करते हैं अब ऑफ रोड को शुरू। सबसे ज़्यादा अच्छी हमारी बुलेट चल रही है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा लाइट दिखाइए बुलेट की, ये देखिए इतनी ज़बरदस्त लाइट चल रही है। ओ, ये हम फंस गए ये है, मतलब BS3 इंजन है हमारा, बड़ा ख़तरनाक चलता है। अभी आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेट नई वाली लेके आओ इस रास्ते पे, तो देखो क्या मेंटेनेंस निकालेगी। जमाने भर की पूरे इंडिया की धूल भी यहीं आ चुकी है। बहुत दूर आना पड़ता है हमको शादियों में खाना खाने के लिए, क्या करें, खाना है कि जाना ही पड़ता। और यहाँ पे लग रहा है ट्रैफिक जाम, काफ़ी गाड़ियाँ, काफ़ी तादाद में, करोड़ों की। ये तो अच्छा बन रहा है, ये देखिए आप, मतलब सस्पेंशन बिल्कुल इसके फील ही नहीं होने देते कि यार ऑफ रोड कर भी रहे, मतलब बड़ी गाड़ी में जैसा फील आता है आपको। और ये धूल बहुत ज़्यादा हो रही है, पर आगे है ना एक नदी आएगी, उसमें से हमको गाड़ी पार करना है, वो थोड़ा सा खतरनाक मामला है, लेकिन हम कर लेंगे। और ये देखिए लेडीज़ को बिठा के इतनी दूर रात में खाना खिलाने ले आए, कोई शर्म नहीं। और ये दूसरी गाड़ी अभी चल रही है लेकिन बुलेट जैसी नहीं। और सामने वाले भाई साहब बहुत ज़्यादा तेज़ धूल उड़ाते हुए, हम उनका पीछे करके उनका आगे निकल जाएंगे। ओ भाई रुकिए, जरा रुकिए आप। ओहो, यहाँ पर बचते हुए बाल बाल एक्सीडेंट होता हुआ बचा, जान करके एक्सीडेंट बचा लो होता हुआ। अरे भाग भाग भाई, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, पर ये हम इनको पीछा कर देंगे, आप धूल पूरी हम इनको खिलाएंगे। ये देखिए आप खाइए धूल, कैसा लगता है जब कोई किसी को धूल खिलाता है। अब ये पीछे वाले भाई साहब को पता चलेगा, क्योंकि जब से हमको धूल खिला रहे थे। और ये हम आ गए हैं नदी पे। और ये देखिए MG हेक्टर जैसी धुआं गाड़ी हमारे सामने खड़ी हुई है। और थोड़ा सा इधर रखिए कैमरे को, देखिए गलत आ रहा है। ये देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये नहीं दिखाइए ज़रा, बड़ा सा नदी है, इसमें हमको गाड़ी चलाना है। नहीं इसमें नहीं, इसमें इधर ही दिखाइए वापस, थोड़ा सा बुलेट को दिखाइए जैसा आपने पहले रख रखा। हाँ ये इंजन थोड़ा बेटर है थोड़ा सा अपन। ये देखिए सामने से बड़ा एडवेंचरस रास्ता है, यहाँ से जाना पड़ेगा हमको, लेकिन ये बुलेट है, ये हार नहीं मानती। अरे यही रास्ता, अरे ये रास्ता है। हाँ ये देखिए आप, ये ऊपर दिखाइए आप, यहाँ से चढ़ा देंगे। ओ शिट मैन, ये गाड़ी आ चुकी है, बड़ी ही प्यार से बड़ा ही परेशान होना पड़ा लोगों को, जो कि हम सीधा भी आ सकते थे, लेकिन आप लोगों को हमको कर्तव्य दिखाना था। तो हाय 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 हाय। और मेरे ख्याल से अभी बाद में बताऊंगा वेट, वो तो अलग से डालना ही पड़ेगा।
अरे अभी क्या कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, दाएं बाएं। हाँ बंद कर दीजिए। तो गाइज फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं, गाड़ी आ चुकी है और इंजन काफ़ी हीट मार रहा है। इसका मतलब इतनी दूर से ही काफ़ी गर्म हो चुका है, क्योंकि पहले दूसरे गियर में जब बुलेट चलती है तो उसका हाल आप समझ सकते हैं क्या होता होगा। और दूसरी बात भाई, काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को ऑफ रोड करने में, को थोड़े बहुत मज़े हम लोगों ने भी करे, होप करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। MG हेक्टर वाले से आपको बुरा ना लगे, मैंने MG हेक्टर को धुआं गाड़ी इसलिए बोल दिया क्योंकि MG हेक्टर नहीं है वो, MG ट्रैक्टर है, क्योंकि काफ़ी इंडिया में उसके चर्चे चल रहे हैं, कहीं पे धुआं निकल रहा है, कहीं पे आग लग रही है, इसलिए मजाक मजाक में बोल दिया, बुरा मत मानना भाई, ये तो हकीकत है। तो गाइस ये थी हमारी बुलेट की कुछ ऑफ रोडिंग। सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं भाई, ये है ना, अभी मैं सुबह ही देख के बता पाऊँगा आपको। अभी एक बार थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ, चाइनीज़ पॉकेट ऐसे वक्त ज़्यादातर बुलेट के चाइनीज़ पॉकेट टूट जाया करते हैं, जो दाते रहते हैं। मैं आपको देखिए बताऊँ, क्लियरली मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर नहीं कटा है। अब आप नई बुलेट के साथ ऐसा ऑफ रोड करके देखिए, आजकल काफ़ी शिकायत आ रही है कि चेनिस पॉकेट ज़्यादा ऑफ रोडिंग करते हैं या फिर गियर चेंज करके बहुत लोड देते हैं गाड़ी पे तो टूट जाता है। लेकिन हमारे केस में, मतलब हमारे केस में क्या है, PS3 इंजन पहले की बुलेट कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है अभी की बुलेट से। आ तो गई है बुलेट जैसे तैसे, लेकिन अब ये मांग रही है मेंटेनेंस ख़तरनाक वाला, क्योंकि टाइम भी आ चुका है इसकी सर्विस का। और मैं आपको बताऊंगा अब इसकी सर्विस में कितना खर्चा आता है, क्योंकि इस बार थोड़ी सी सर्विस महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि बहुत उधेड़ दिया हम लोगों ने बुलेट को, आज नहीं रोज़ ही उधेड़ रहे हैं। तो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव थोड़ा बहुत था लेकिन एंटरटेनिंग ज़्यादा था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आवाज़ के लिए मैं तहे दिल से आपसे फिर से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।